गार्डन सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 6 साई पेज नंबर 49। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मर्म सपी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते हैं कर रहे हैं, उनके सहारे वह जिंदगी को डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ काम आ जाता और उसका जाना स्थगित हो जाता, पर वह पंख बांध कर समय उठता रहा। अबाध गति से बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आना आ पाना कठिन हो रहा है तो वही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर के केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है, नैरोबी मुंबई के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसके नियमित रूप में जाना पड़ता है, यह विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ के आबोहवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अजूब जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विश्वसता है क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की खोज शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार आपको देखना चाहती है। प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा, पत्र मिला, इलाज के लिए रुपये भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी पूरी योजना के साथ टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट भी, वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया, और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतने दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उसकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा। जब वह पैंट पहनकर आंगन में गुल्ली ठंडा खेलता था, नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था। वह ताला लगा था, हाँ, उसे पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछा के तो पता चला कि एक वृद्ध भारत के अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं, रात को देर से अफ्रीका से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठ प्रतीक्षा करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊंघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपने बाहों में भर लिया, बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए दीवार की ओर, उन्होंने इर्द-गिर्द किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में दुल्का खिल रहा है, यह किसका चित्र है, युवक ने गौर से देखा, कुछ छेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसे चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितनी जिगरी दोस्त हूँ, कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया, साथ साथ झांके में हमने यह कारोबार शुरू किया नैरोबी के, आज यहाँ एक बहुत अच्छी फार्म है, यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए, उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है, भाई बहन सब ठीक है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सभी ठीक है, बस यही मैं चाहता था कि धीरे से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे, कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए से बोले, देखो बेटा, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय से भवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसा ही तो तंतुओं के सहारे टिकता रहा है, यदि वे टूट जाए, छिन्न छिन्न होकर बिखर जाए तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है।
जरा सा सोचो बेटा, वे खांसे। अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छे रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक से असंभव में डूबे गंभीर चेहरे की और देखा, और रुपये रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, अशिक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे में अलावा और कुछ भी ना दिखाई देता तुमको। वृद्ध अपने सूखे होठों की जीभ की नोक से भिगाए हम दुर्लभ होते हुए, असहाय अकेले होते हुए भी कितने कितने बेहद वनों का पार कर जाते। सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे अपने साए कारोबार में। उसके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से भी इसी दिन का इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए, बचपन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डब डबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाते क्या क्या सोचते हुए देखते रहे।